अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है। ये सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं किचन में हूँ और बना रही हूँ तलहा के पापा का टिफ़िन, और दोपहर का खाना भी हमारा यही रहेगा। तो आज बन रही है भिंडी, और भिंडी को मैंने किस तरह से बनाया ये भी आपको दिखा रही हूँ। मैंने सिंपली ऑयल डालकर उसमें प्याज और मिर्ची फ्राई कर ली है, और फिर कट की हुई भिंडी डाल दी है, और लास्ट में मैं नमक डालूंगी। और ये देख रहे हैं मैं नींबू डाल रही हूँ। थोड़ा सा नींबू की बूंदें डालने से जो भिंडी में चिपकती है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत लोग इसमें अमचूर पाउडर भी डालते हैं पर मेरे घर पसंद नहीं करते, इसलिए मैं नींबू डालती हूँ। अगर नींबू ना हो तो अचार का एक टुकड़ा भी डाल दो तो उससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बन कर आती है। और बीच बीच में इसको सिम पर मैं रखी हूँ और चलाते जा रही हूँ। और इधर मेरी रोटी भी बन रही है, चावल बना के हो गया है, दाल रखी हुई है। तो ये मेरा दोपहर का खाना, तलहा के पापा की टिफ़िन भी हो जाएगी। तो इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत काम है, साफ़ सफाई भी करना। और इधर हमारे भांडे वाली आ गई सुबह सुबह, तो ये देखिए इससे भी बार्गेनिंग चल रही है। तो ये हम लोग अपना बोल रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, और वो अपना बोल रही है इतने कपड़े में दूँगी उतने कपड़े में दूँगी। तो मुंबई में एक ये भी चीज़ बहुत खास होती है कि पुराने कपड़े लेकर भांडे देते हैं, भांडे वाले आते हैं बर्तन देते हैं। तो इनसे भी हम लोग ने बर्तन लिया। मुझे बहुत लेट हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, और लिया भी था भांडे इनसे हम लोग ने। कपड़े बहुत सारे निकले थे बारिश के। ये देखिए सब लोग खड़े हैं और सब अपना अपना कपड़ा लाकर दिखा रहे हैं, उनको जो पसंद आएगा वो लेंगे। फिर ये अंदर आके जो रात की सिली हुई पैंटें हैं उसको भी मुझे फोल्ड करके रखना है कारखाने भेजने के लिए। फिर आगे जाके किचन का काम कंप्लीट करना है। और तलहा के पापा और तलहा जा चुके हैं, तलहा के पापा शॉप पर और तलहा गए हैं अरबी। और ये मैं खाना बन गया है, तो पहले चूल्हा धो के हटाऊंगी। जब तक ये चूल्हा साफ़ नहीं होता है मुझे उलझन होती रहती है कि किस तरह से जल्दी से चूल्हा साफ़ हो जाए। तो इतना पोर्शन मैं पहले क्लीन करके हटा दूँगी, फिर आगे का काम अपना करूँगी। तो ये तो रोज़ का डेली क्लीनिंग में आता है कि चूल्हा धोना, और इतना जो भी ये टाइल्स है यहाँ पर इतनी दूर ये डेली धुलना ही धुलना है। पोछ के नहीं लेती हूँ मैं, धुल के ही लेती हूँ तब अच्छे से साफ़ होता है। और इस तरह से पाइप को भी रोज़ रगड़कर साफ़ कर दो तो चूहे वगैरह यहाँ काटने का कोई ख़तरा नहीं रहता है कि हाँ अगर उसमें कुछ लगा है खाने की चीज़ तो चूहे काट देते हैं। तो इस तरह से रोज़ मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये अच्छे से बन नहीं रहा है मुझसे क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल लिया है शूट कर रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं सफाई कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। चूल्हा साफ़ होने के बाद मुझे सारे डिब्बे धुल के हटाने हैं किचन के, क्योंकि आगे मुझे घर में कलर कराना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा काम कर करके हटा दे रही हूँ। अभी तलहा के स्कूल की छुट्टियाँ लगी है। ये व्लॉग आपको लेट मिल रहा है, सॉरी इसके लिए, मैंने बीच में व्लॉग नहीं बना पाई थी। और ये देखिए पीछे भी काम चालू है, ये पीछे की बिल्डिंग है जो कि दिखती है, तो उनके यहाँ भी काम चालू है, आवाज़ें आ रही थी। और ये मैंने सारे डिब्बे क्लीन करके रख दिए किचन के जो भी थे, अगर जिसमें ज़्यादा सामान था उसको मैंने ऊपर से धुल लिया है, और जिसमें कम था उसको खाली करके पूरा साफ़ कर लिया है। और सूखने के लिए खिड़की में थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है तो मैंने रख दिया है। और फिर ये जब सारे डिब्बे सूख गए तो दोपहर के टाइम बैठकर मैंने सारे जो भी डीमार्ट से सामान आया हुआ था उसको मैं सब डिब्बों में रख ले रही हूँ। सब इसी तरह से ऐसे पड़ा हुआ था, काम बहुत था दिवाली में, उसके बाद सिलाई और अब कलर कराना है। तो धीरे धीरे एक एक काम करके मैं हटा रही हूँ। तो इस तरह से मैं जब भी डीमार्ट का सामान किराना आता है हर महीने में ऐसे साफ़ करके रख लेती हूँ सारे डिब्बे, और फिर एक साथ बैठ के सारे सामान रख लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप किस तरह से अपना किचन मैनेज करती हैं, सफाई करती हैं वीकली या फिर मंथली, उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मैं सब छोटे बड़े डिब्बों में सामान रख रही हूँ। ये ऑयल का पैकेट इस तरह से मैं एक बड़े डिब्बे में पैकेट वाला ऑयल लाती हूँ और उसको मैं निकाल लेती हूँ।
और फिर उसी दिन रात का वीडियो है जो हम लोग जा रहे थे, तलहा बीमार हो गए थे तो हमको उनको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो कि वेस्ट में है। तो यहाँ का भी थोड़ा क्लिप मैंने लिया था। ये ओवर ब्रिज से हम लोग जा रहे हैं, ईस्ट वेस्ट की ब्रिज है। तो ये रात के अभी 9 बज रहे हैं, हम लोग का अपॉइंटमेंट 9:30 का था तो हम लोग 9 बजे निकले थे जल्दी जल्दी घर का काम करके। सब ऑफिस से लौट रहे हैं। आई होप आपको देख के समझ में आता होगा कि मुंबई में किस तरह से लोकल से सब उतरते हैं और फिर ब्रिज से चढ़कर अपने अपने घर वापसी पे जा रहे हैं। इतनी गर्दी आ रही है इधर सब। आ गए हम लोग वेस्ट की तरफ। और ये डॉक्टर के यहाँ इतनी गर्दी थी, बच्चे इतना बीमार चल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ का भी मैंने शूट कर लिया था। यहाँ बैठने को भी जगह नहीं है, तलहा से खड़े हुए हैं। इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इनको उल्टी आ रही थी कि बैठ नहीं पा रहे थे। दवा लेके हम लोग बाहर निकले तो इनको मैंने एनर्जी ड्रिंक दिलाया है, वो पी रहे हैं। और फिर मेडिकल से हम लोग ने दवा लिया।